दिन हमें हमेशा याद रहेगा। इतना इतना पानी भर चुका, ये मोटी ना मतलब इतने इतने पानी से आई है और नाली का पानी है वो। सच देखो किस फ्लो में यमुना बह रही है, देखो उधर से आ रही है यमुना और इधर को बह रही है। देखो 3 बजे से हुआ, 3 बजे से हुआ, तू निकाली मुझे। लड़ मत गई। वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। गाइस तो इसलिए ज़्यादा ख़राब है ये जो हमारा बॉक्स है गाइस वाईफाई का, ये सुबह से चल नहीं रहा है 7 बजे से, पता नहीं क्या तो हो गया क्या नहीं हुआ। तो आज हम बिना इंटरनेट के जी रहे हैं, और बिना इंटरनेट के जीना आप समझ रहे हो क्या जीना है गाइस बिना नेट की। तो ये पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हुआ, और हम भैया को फ़ोन भी कर रहे हैं पर वो जो वाईफाई वाले भैया है वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे हमारा, और पता नहीं कब तक चलेगा। 7 बजे से बंद है और टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 2:15 हो गए गाइस और अभी तक नहीं चला। बोला भैया ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर हमारा। क्यों? अरे वो उनका हो नहीं पाया होगा, अब पीछे तक कॉल आ रही होगी, सब कर डाल दिया होगा ब्लैक लिस्ट का। ये तो गलत है ना, तो एक टाइम फिक्स करके बता दो कि भाई इस टाइम पे होगा। ग्रुप ओनरशिप इसमें आप बता दे, बस आप बता सकते हैं कि इसमें इंटरनेट बंद है चालू है। हाँ तो ना भैया से हमें बोलना पड़ेगा, अभी स्वाति आएगी ना तो तू स्वाति के फोन से कर रही हो, मेरे फोन से तो भैया को पता है नंबर है ना, अभी वो आने वाली है 2:15 है, 2 बजे तक आ जाएगी। सुबह अभी हुई है थोड़ी देर पहले, मतलब सुबह का मतलब ये नहीं कि मैं सो के अभी उठी हूँ, नहीं मैं सुबह ही उठ गई थी जितने भी टाइमिंग पे बोलते हो, बस मैं काम वगैरह करके मैंने आज अपने सिर पे पैक लगाया था दही का, तो मैं वो लगा के उसको कम से कम 2 घंटे का रेस्ट देना होता है, तो मैं अभी मैंने लगाई तो 11 बजे और मैं नहाई हूँ 1 बजे, तो अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी गाइज बुद्धि मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बिना इंटरनेट के मुझे आज जीना पड़ रहा है, कब तक चलेगा ये भी नहीं पता। बाहर ब्लॉगिंग करने जाऊँ तो मैं बीज ना ले लूँ, क्योंकि बाहर ब्लॉगिंग करते टाइम बहुत गर्मी लगती है, तो बीजने से अगर कंटिन्यू मैं हवा करूँगी तो अच्छा लगेगा ना गाइज मेरे को। हाँ हाँ मेरे को ही अच्छा लगेगा गाइज, आप लोगों को थोड़ी लगेगा, थोड़ी हवा खाओगे आप तो मेरी हवा वाली बातें खाओगे। मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि स्वाति ने मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट दे दिए, वो भी इतने दिन पहले, मुझे नहीं पता था, और मैं बहुत खुश हूँ इसे अनबॉक्स करने के लिए, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती। तो ऊपर चलते हैं फिर इसे अनबॉक्स करते हैं। जिसने मेरे को मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया इसके लिए थैंक यू, और बहुत 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 किस्मत कर, जब भी तू मुझे भलाई नहीं देगी कभी थैंक यू तो बोला ही नहीं जिंदगी में। गाइस मैंने क्या बोला इसको, थैंक यू बोला ना, थैंक यू बोला, और जब ये आया ना तब भी थैंक यू बोला। गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर इसको मैं डालूंगी अपने बर्थडे पे, बस अभी आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसी है। सबसे पहले मेरा गिफ्ट स्टार्टिंग किया साथी ने देना, थोड़ा पीछे कर ले मोटी। तो गाइस साथी ने मेरे को ये शर्ट गिफ्ट की है ये, और ये बहुत 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 प्यारी है, बहुत प्यारी, और थैंक यू मोटा, इसने अपनी तरह दिए, मतलब मोटी सी है ये भी, थोड़ी फैली हुई थी, और मैं इसको अपने बर्थडे पे पहनूंगी गाइस। और बेटा पैसा होना मैं क्या कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत कुछ सोचती हूँ लेकिन होता नहीं है मेरा, बस खुद के लिए कभी नहीं होता, मैंने ये देखा। हाँ खुद के लिए, इतने से पार्सल किसके लिए आते, तेरे लिए। अच्छा एक चीज़ और है कि जो चीज़ देखते हैं वो थोड़ा अलग से, ये देख गाइस इसमें मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। पहले गए तुम्हारा ऐसा नहीं रहता, जो कपड़े इसके होते हैं वो मैं ट्राई कर लेती हूँ, जो मेरे होते हैं ये ट्राई कर लेती है, तो बहनों बहनों को ये होता है, बहनों बहनों का नहीं भाई भाई का भी होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपना गिफ्ट, और आप कमेंट करके बताना आपको ये शर्ट कैसी लगी। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आ गया आदि, आ गया इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, और हम जा रहे हैं इतने अच्छे मौसम में गोलगप्पे खाने के लिए। ये मोटी ने बोला गोलगप्पे खा के आएंगे, मैंने कहा चलो। तो गाइस हमारी गली का व्यू देखो, हमारे गली से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है, वाओ। फिर तू भी उड़ जाके जा, हैं उड़ जा जा, हाय पंछी उड़ो। बेहतरीन मौसम हो रहा है, मजा आ गया। हम चाउमीन खाने के लिए आ गए, बोल रहे थे कि गोलगप्पे खाने आएंगे, ये लड़की लेकर, ये लड़की बोले मेरे चाउमीन खाने का मन है, मैंने कहा चलो चाउमीन खा जाएंगे, और मुझे उस दिन भैया की बहुत अच्छी लगी, तो हम भी आ गए चाउमीन खाने भैया के बाद। मतलब उनके गोलगप्पे तो अच्छे हैं पर उनकी चाउमीन अच्छी नहीं है, मुझे उनकी चाउमीन अच्छी नहीं लगी, को लेकर अच्छी नहीं बनाते वो। चाउमीन कैसी लग रही है? बढ़िया। इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, और अभी हम रास्ते पे मतलब अटक गए हैं, तो स्वाति ने बोला कि शॉप पे यहाँ पे हम रुक गए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज है, मेरे हाथ में फ़ोन है,
तबीयत भी खराब हो सकती है, वैसे भी बहुत ज्यादा फ्लू चल रहा है, तो इस वजह से हम रुक गए। जब बारिश रुकेगी तब जाएंगे। बारिश पड़ रही है, पूरी सड़क गीली हो गई। अब बैठ चुके हैं क्योंकि खड़े होते होते बहुत देर हो गई है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी देर से बारिश पड़े जा रही है। तो इसने बोला मुझे कि तू ऐसे कर बैठ जा। तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाते, इतनी देर तक खड़े रहेंगे तो पाँव दुख जाएंगे। कर रही है देखो, तो गाइस वहां से तो हम आगे आ गए थे, पर आगे आने के बाद पानी इतना ज्यादा बह चुका था, इतना ज्यादा बह रहा था कि मेरी बुद्धि खराब हो रही थी। और मुझे टेंशन थी कि मेरा मेकअप ना बह जाए, क्योंकि मेरा मेकअप वाटरप्रूफ नहीं था। और मुझे डर था कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए अगर आईलाइनर बह गया, तो मैं अपने आप को बहुत बचा रही थी। और पानी ना बढ़ता ही जा रहा था। और दूसरी तरफ स्वाति थी और एक तरफ मैं थी, वो दूसरी दुकान पर खड़ी थी, मैं दूसरी दुकान पर खड़ी थी। और इसने ना एक छाता मांग लिया था अपनी मैम से, इसकी मैम का घर पास में था, और ये अपने लहंगे को बचाते हुए वाला सीन हमें हमेशा याद रहेगा। इतना ज्यादा पानी भर चुका ये मोटी ना, मतलब इतने इतने पानी से आई है और नाली का पानी है वो, सच में आज का दिन बहुत यादगार रहने वाला है। अभी मम्मी का खोला है, मम्मी कह रही कि ना बारिश रुक जाएगी तब आना, पर यहाँ पे देखो बारिश का पानी बढ़ते जा रहा है। तो हम रिक्स नहीं ले सकते, हम छाता ले लिया है, इसने अपनी मैम के यहाँ से छाता ले लिया और हम जा रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा। इस छाते के नीचे मतलब है और पीछे तो पानी नहीं है, पर आगे का दिखा दो, आगे यमुना बह रही है। देखो किस फ्लो में यमुना बह रही है, देखो उधर से आ रही है यमुना और इधर को बह रही है देखो, और हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं। गोलगप्पे खा ले, बढ़िया गोलगप्पे मिल जाएंगे मेरे पास। आंटी वहाँ पे ऐसी जगह पे आ गए थे ना कि निकलना बहुत मुश्किल था, मतलब हम जंग जीत के आए हैं, फाइनली आ तो गए हैं अपने गली में, पर बहुत कंडीशन खराब थी। अभी कंडीशन खराब होगी क्योंकि यहाँ पे तो पक्का आगे कक्षा है। गली में आ गए, दूध भी ले लिया गया, हमने चाय बना के पियेंगे, चाय जरूर पियेंगे हम, कुछ हो कुछ ना हो पर चाय जरूर पियेंगे हम बना के। तो हम चाय पियेंगे गाइस, बस थोड़ा सा और दूर बचा फिर हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। 3 बजे से हुआ, 3 बजे से हुआ, तू लिखाई मुझे लड़ मत गई। आ गए हैं फाइनली अपनी गली में, भीगते भागते आ रही है, छोटी जा रही है। गाइस बारिश में भीग के बहुत मजा आया मुझे आज, इतना मजा आया कि हल्का हल्का सा ना बॉडी में पेन होने लग गया। मुझे लगता है कि अगर मैंने दवाई नहीं खाई तो बुखार भी हो जाएगा, मैं दवाई खाऊंगी। करते हैं हम यहाँ पे एंड। आई होप यू लोग आपको पसंद आया तो करना लाइक कमेंट शेयर, और मेरे चैनल को गाइस करना सब्सक्राइब। मैं हम लोग एक अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।